कंक्रीट से भरी इस बड़ी इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी को तोड़ना नामुमकिन है। ये सुपर मॉडर्न और सुरक्षित स्टोरेज में लगी हुई है। आसपास के एरिया में काफी सारे मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। कोई भी इनकी नजर से बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत सारे कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई वहां जाने की हिम्मत भी करता है तो वहां उनकी मुलाकात सबसे पहले सुरक्षा गार्ड से होगी। ये वॉल्ट यानी तिजोरी लुइसविले केंटकी में है। इस सेफ के अंदर जो भी चीज मौजूद है उसकी कीमत अरबों डॉलर है। ये कोई हीरा या आभूषण नहीं है, ये एक पीले कागज का टुकड़ा है जिस पर KFC फ्राइड चिकन तैयार करने की रेसिपी लिखी हुई है। इस कंपनी की इक्विटी कैपिटल 10,000 अरब डॉलर है। रेसिपी फॉर्मूला 1940 के दशक में तैयार किया गया था। फिलहाल KFC के सिर्फ दो एग्जीक्यूटिव ही जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट की कुकिंग में किन मसालों की जरूरत होती है। सीक्रेट फॉर्मूला में कौन से मसाले शामिल हैं, ये अब किसी के लिए कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। लेकिन मसाला कितना डालना है, उसे किस टेम्परेचर पर कितनी देर तक पकाना है, सारा सीक्रेट इसको लेकर है। ये रेसिपी इतनी सीक्रेट है कि कंपनी इसके मसालों को पूरे अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर मिक्स करती है। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज बनाना काफी आसान लगता है, लेकिन कोई भी उन्हें उतना स्वादिष्ट बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मिशलन स्टार शेफ भी इस डिश को पसंद करते हैं। मैकडॉनल्ड्स के एक लीडर का कहना है कि वे इसे तैयार करने के लिए हाई स्टार्च कंटेंट वाले लाल भूरे रंग के आलू का इस्तेमाल करते हैं। वे इसे खास कंडीशन में स्टोर और प्रोसेस करते हैं और पूरी दुनिया में आलू के स्वाद को एक जैसा बनाए रखने के लिए उसे एक अनोखे तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वे आलू को ऐसा खास स्वाद देने के लिए एक विशेष पुराने पिसे हुए नमक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि रेसिपी तो पता लग गई है, लेकिन इसे रिपीट करना लगभग नामुमकिन है। वे कुकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले टेम्परेचर के बारे में नहीं बताते। कितनी देर तक तलना है ये टाइम केवल कर्मचारी जानते हैं। ऑयल के बारे में खास क्या है और कितनी डिग्री पर फ्रीजिंग की जाती है, ये एक राज है। और वैसे भी वे आलू को भूनते हैं, फिर उन्हें फ्रीज करके गर्म तेल में वापस डाल देते हैं। ये गणित की तरह है। फॉर्मूले में एक गलती से इसका फेमस टेस्ट बिगड़ सकता है। मैकडॉनल्ड्स की रेसिपी को लेकर एक और सीक्रेट है जिसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं। ये एक अनोखा सॉस है जिसे वे सबसे फेमस बर्गर बिग मैक में मिलाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग का कोई वेरिएशन है, लेकिन कोई भी पक के तौर पर इसके बारे में नहीं जानता। कोका कोला इतना पॉपुलर ड्रिंक है जिसके बारे में ये विश्वास करना मुश्किल है कि कोई भी इसकी सही रेसिपी नहीं जानता। हर साल एक दो बार कोई ना कोई इसकी रेसिपी के बारे में कुछ कुछ बताता है और फॉर्मूला दिखाता है, लेकिन सही सिग्नेचर रेसिपी का अनुमान लगाना नामुमकिन है। फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने 1886 में ये ड्रिंक बनाया और $2,500 में इसकी रेसिपी बेच दी। उसके बाद फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव किया गया। 19वीं सदी के अंत के बाद से अब तक कोई भी इस रेसिपी को कॉपी नहीं कर पाया है। हाँ, बहुत से लोग इसके कंटेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सही मात्रा में नहीं मिला सकता। कहा जाता है कि कंपनी में हाई पोस्ट पर केवल दो मैनेजर हैं जो ये सीक्रेट जानते हैं, और एक कागज पर लिखा फॉर्मूला अटलांटा में एक स्पेशल बैंक वॉल्ट में रखा हुआ है। चलो छोड़ो दोस्तों, ये सिर्फ एक मिथक है। बहरहाल सच बात तो ये है कि इस रेसिपी वाला ड्रिंक कंपनी को सालाना $33 अरब की कमाई करके देता है। जब वे एक रेसिपी की कई कॉपी बनाते हैं तो वे इसे एक ही प्लेन या ट्रेन में नहीं ले जा सकते। एक प्लेन में केवल एक रेसिपी। रेसिपी से जुड़े सीक्रेट का खुलासा करने पर कड़ी सजा की गारंटी है। ऐसा करने वाले को कई साल तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। डॉक्टर पेपर में भी इसी लेवल की सीक्रेसी है। ये पक्की तरह से नहीं बता सकते, लेकिन अफवाह है कि ड्रिंक की रेसिपी को दो भागों में बांटा गया है। दोनों को अमेरिका में दो अलग अलग बैंकों में तिजोरियों में रखा गया है। ये नुस्खा 1885 में टेक्सास में फार्मासिस्ट चार्ल्स एल्डर्टन ने तैयार किया था। उन्हें फ्रूट सिरप और स्पार्कलिंग वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। कई कोशिशों के बाद वे उस सदाबहार स्वाद को पाने में कामयाब हुए थे। अन्य सीक्रेट रेसिपी से अलग डॉक्टर पेपर के स्वाद को समझना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अलग अलग टेस्ट वाले 23 अलग अलग कंपोनेंट हैं। कहा जाता है कि ये ड्रिंक प्रून जूस से बनाया जाता है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि ये प्रोडक्ट इसके 23 कंपोनेंट की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। 2009 में किसी को चार्ल्स एल्डर्टन की एक पुरानी अकाउंटिंग बुक मिली जिसमें सीक्रेट फॉर्मूले लिखे हुए थे, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि वे रेसिपी गलत है। इरन ब्रू का प्रोडक्शन करने वाली स्कॉटिश कंपनी इसके रिलीज का समय 1901 बताती है। हालांकि इस नाम वाले एक ड्रिंक का जिक्र पहले के रिकॉर्ड में दिखाई देता है। ब्रिटिश कंपनी स्टीवनसन एंड होवेल ने 1898 में इस नाम के एक ड्रिंक को बाजार में उतारा था।
लेकिन इससे पहले भी न्यूयॉर्क की एक केमिकल कंपनी ने पहली बार 1889 के अगस्त में आयरन ब्रू नाम से एक ड्रिंक बेचा था। इसकी खोज के बारे में अभी भी विवाद जारी है। हालांकि कोई भी इस पॉपुलर ड्रिंक की रेसिपी को कॉपी नहीं कर सकता। स्कॉटलैंड में दावा किया जाता है कि उन्होंने एक ओरिजिनल रेसिपी बनाई थी जिसका ब्रिटेन और न्यूयॉर्क से कोई लेना देना नहीं है। 20वीं शताब्दी से इस रेसिपी को सीक्रेट रखा गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के अंदर आगे बढ़ाया गया है। ओरिजिनल ड्रिंक पेय में 32 अलग अलग सामग्रियां शामिल हैं। दुनिया भर में कुछ ही लोगों को इसकी कुकिंग का फॉर्मूला पता है। क्रिस्पी क्रीम भी अपने डोनट्स को एक सीक्रेट फॉर्मूले से तैयार करती है। वे कहते हैं कि ओरिजिनल रेसिपी में फेटे हुए अंडे का सफेद भाग, मैश किए हुए आलू, चीनी, स्किम्ड मिल्क और एक यूनिक सूखा मिश्रण शामिल है। लेकिन हमें पहले से ही पता चल चुका है कि इसकी मुख्य चीज सामग्री नहीं बल्कि इसकी कुकिंग का फॉर्मूला है। इसका सही फॉर्मूला एक सुरक्षित विंस्टन सलेम कॉर्पोरेट वॉल्ट में छुपा कर रखा गया है। केवल कंपनी के चुनिंदा कर्मचारियों को ही वहां तक पहुंच है। डोनट्स के लिए सूखा मिश्रण केवल एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीक्रेट को न केवल फैमिली मेंबर या डायरेक्टर बल्कि इस फैक्ट्री के बेस्ट एम्प्लॉयज भी जानते हैं। न्यू ऑर्लियंस का एक शेफ अपनी रेसिपी लेकर आया था। उन्होंने इसे उस एंटरप्रेन्योर को बेच दिया जिसने क्रिस्पी क्रीम की स्थापना की थी। वैसे कंपनी ने एक बार दुनिया का सबसे महंगा डोनट भी बनाया था। इसे यूके नेशनल डोनट वीक के दौरान पेश किया गया था। इसकी कीमत लगभग $1,300 थी और इसमें एक महंगी अनूठी क्रीम, रस भरी शैंपेन मुरब्बा और सचमुच बहुत सारा सोना शामिल था। डोनट 24 कैरेट सोने की पत्ती और 23 कैरेट सोने के पाउडर से कवर किया गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खाने लायक हीरे थे। ओरिजिनल हाइंस केचप में केवल 5 चीजें होती हैं: टमाटर, सिरका, चीनी, नमक और मसालों तथा जड़ी बूटियों के अर्क। हेनरी हाइंस ने इसे 1867 में बनाया था और अब तक रेसिपी में शायद ही कोई बदलाव किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 लोग हैं जो इसकी रेसिपी जानते हैं। फॉर्मूले की लोकेशन आम लोगों को नहीं पता है। ये राज फैमिली मेंबर्स और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के बीच में पास किया जाता है। और अब आइए दुनिया के सबसे महंगे डिश के बारे में कुछ मजेदार तथ्य जानते हैं। दुनिया के सबसे महंगे बर्गर में से एक में व्हाइट ट्रफल ऑयल में पका हुआ महंगा जापानी बीफ शामिल है। कटलेट को 10 जड़ी बूटियों और स्मोक्ड पैसिफिक सॉल्ट के साथ भुना जाता है। उन्होंने उस पर चेडर चीज, ब्लैक ट्रफल्स और फ्राइड क्वेल एग डाला। ये सब सफेद ट्रफल ऑयल, क्रीम और कैवियर के साथ एक सॉफ्ट सी बन पर रखकर सर्व किया जाता है। साथ ही वे आपको इसके ऊपर असली हीरे वाली प्योर गोल्ड से बनी टूथपिक लगा कर देंगे। आप न्यूयॉर्क के सबसे महंगे होटलों में से एक के रेस्टोरेंट में इस डिश का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इस बर्गर को ऑर्डर करने के लिए आपको एडवांस में $293 चुकाने होंगे। 2011 में इंग्लैंड के एक शेफ ने एक गजब का महंगा डेजर्ट बनाया। ये $35,000 की चॉकलेट पुडिंग थी। ये डिश हाई क्वालिटी वाली चॉकलेट, सोने की पत्ती, कैवियर और हीरे से बनी थी। एक फेब्रिज अंडे की तरह दिखने वाली ये डिश शैंपेन जेली से कवर थी और खाने लायक सोने से सजाई गई थी। आप इसे खाने के लिए सीधे किसी रेस्टोरेंट या पेस्ट्री शॉप में नहीं जा सकते क्योंकि इसकी कुकिंग में काफी टाइम लगता है। आपको इसके लिए कम से कम 2 हफ्ते पहले ऑर्डर करना होगा। लगभग $25,000 की कीमत वाला एक और सुपर महंगा डेजर्ट है। आप इसे अपर ईस्ट साइड पर न्यूयॉर्क के एक सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें लगभग 28 तरह के कोकोआ होते हैं जिन्हें सोने के फ्लेक्स से सजाया जाता है और इसमें खाए जा सकने वाले 23 कैरेट सोने की 5 ग्राम की मात्रा भी मिली होती है। वे इसे आपको सोने के प्याले में परोसते हैं। इसे खाने के लिए आपको रेयर ब्लैक एंड व्हाइट डायमंड से सजाया गया प्योर गोल्ड का चम्मच दिया जाएगा। दुनिया के सबसे महंगे कपकेक में से एक है गोल्डन फीनिक्स। आप इसे दुबई के किसी भी कैफे में ट्राई कर सकते हैं। इसकी कीमत करीब $1,000 है। इस कपकेक की रेसिपी में महंगी इटालियन चॉकलेट और खाने लायक सोने की 23 कैरेट की शीट्स हैं। इसके अलावा कपकेक को ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी से सजाया जाता है और इस पर खाने लायक सोने का पाउडर छिड़का जाता है। इसका स्वाद लेने के लिए आपको 48 घंटे पहले कपकेक का ऑर्डर करना होगा। लेकिन ये बेहतरीन चीज के लिए इंतजार किया जा सकता है। वे आपको 24 कैरेट सोने के स्टैंड पर कपकेक परोसेंगे। दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा में शामिल एक पिज्जा इटली में मिलता है। इसे 2 लोगों के लिए बनाया गया था। इस पिज्जा के लिए इस्तेमाल किया गया आटा पकाए जाने से पहले कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। पिज्जा फिलिंग में 3 तरह के कैवियर होते हैं। इसके अलावा वो इसमें नॉर्वे के तट से लाए गए लॉबस्टर और 7 तरह की चीज डालते हैं। इटली में इस पिज्जा की कीमत $12,000 से शुरू होती है।